सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से, अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबर से देखा जाता है और सम्मान पैसे देख कर किया जाता है, परंतु ये सब गलत है। आज का पंचांग 4 जून 2024 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर ही रहेंगे। मीन राशि 4 जून 2024 दिन मंगलवार, आपका करिश्मा आपके आसपास के लोगों को प्रसन्न करता है, फिर चाहे वो घर हो या बाहर। आपके पास खर्च करने के लिए धन है, किंतु इसे सोच समझकर खर्च जरूर करें। दोस्तों के साथ घूमने जाए नेटवर्किंग के लिए समय बहुत अच्छा रह सकता है, जिससे कनेक्शन बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होंगे। दृढ़ संकल्प और तैयारी के साथ स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपकी कड़ी मेहनत और आपका स्वभाव अच्छा स्वभाव हर समय आपकी मदद करेंगे। अपव्यय से बचें, जीवन और समय ये दो सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जीवन हमें समय का सही ढंग से उपयोग सिखाता है और समय हमें जीवन का सही तात्पर्य सिखाता है। व्यस्त रहेगी लेकिन उचित सावधानी बरतने से परिस्थितियां अनुकूल भी हो जाएगी। कोई नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत तथा प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है। प्रयत्न करने के बाद भी कुछ बातें अपेक्षा के अनुसार न होने से निराशा महसूस होगी। आपको दोबारा शून्य से प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ये तनाव दे सकती है। पिछली गलतियां सुधार का लाभ हासिल करना आपके लिए आसान बनेगा। काम से संबंधित रुकावट दूर करने का रास्ता अचानक प्राप्त होगा। सावधान रहें, दोपहर बाद कोई नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है। यह समय धैर्य और संयम रखने का है। अपने नजदीकी संबंधियों के साथ सकारात्मक वार्तालाप में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उधारी संबंधित कोई भी लेन देन करना नुकसानदायक रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। नजरों के इशारे या छेड़खानी प्यार के रिश्ते में अपना खास महत्व है। किसी क्लब समूह या सोसाइटी में शामिल होकर आप अपने बोरिंग जीवन में ताजगी ला सकते हैं। अपने आकर्षण के साथ साथ अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। आज आपका जीवन साथी आपकी मदद कर सकता है या उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप अपने खर्चों पर विचार करेंगे अगर आप अकेले हैं तो। इस इंतजार को खत्म करें क्योंकि जल्द ही आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। अपने दिल में थोड़ी सी जगह बनाकर और एक रोमांटिक गाना याद करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपके लिए लक से भरपूर नहीं है, लेकिन आपका करिश्मा और आकर्षण इसे खास बनाता है। अपने कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आपको नई तकनीकों के बारे में सोचना होगा। अतिरिक्त लाभ और सफलता के लिए आज कुछ समय इंतजार करना बेहतर होगा। यह समय अपने परिवार को आसमां की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है, क्योंकि किस्मत आपको नए मौके दे रही है। आज आप पैसा कमा सकते हैं, प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं और धन अर्जित करने के उपाय सोच सकते हैं। स्थिर दिमाग और सही नीतियां आपको और आपके कर्म को प्रभावित ढंग से समृद्ध बनाने में सहायता करते हैं।
कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। कुछ फायदेमंद ऑर्डर मिल सकती हैं, परंतु लापरवाही ना करें क्योंकि फाइनेंस संबंधित कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोग अपने उच्च अधिकारियों व बॉस के साथ बातचीत करते समय बहस में ना पड़ी। बात करते हैं सेहत की। आज महिलाओं की सेहत थोड़ी खराब रह सकती है, इसीलिए महिला वर्ग को अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। खान पान पर भी ध्यान दे, दिनचर्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप हनुमान मंदिर में जाएं और नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।